Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. Or pehle, before we introduce the new video which we are going to react on, हम चाहेंगे कि हमारे fans हमारे channel में वापस आए. Please don't forget to subscribe our channel, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग आते हो यार, देखते हो हमारे videos, आप हमें appreciate भी करते हो, लेकिन subscribe नहीं करते हो यार. Guys, out of 100 से 2% ऐसे लोग हैं जो subscribe कर रहे हैं हमारे channel को. कहाँ हो guys, 98% जाके अभी जाके subscribe करो हमारे channel को, ताकि हर content आपको जल्द से जल्द देखने को मिले. और guys, अगर आप subscribe करते हैं तो आपको regular updates मिलते रहेंगे. मुझे पता है कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं अभी, आप इस video को skip कर देंगे, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए guys. कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए. हमारा जो भी अपडेट आएगा आपको पसंद आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम आपके बारे में सोचते हैं, आपके थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आप क्या पसंद करते हैं उसके बारे में सोचते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल गेट बैक टू द ऑफिशियल टीजर फॉर माइकल, जो एक अपकमिंग तमिल मूवी है और वो बहुत ज्यादा खबरों में है आजकल. एंड आई गेस वो अभी ट्रेंड करी है 16 नंबर पे यूट्यूब पे. तो आप समझ सकते हो गाइस कि इस कंटेंट का हाइप कितनी ज्यादा है और बहुत सारी कास्ट है इसमें. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले इसके टीजर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करते हैं. ये टीजर है हिंदी में, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अगेन अ पैन इंडिया मूवी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द टीजर राइट नाउ. म्यूजिक अच्छा है, तमिल मूवी नो डाउट हमेशा अच्छा म्यूजिक होता है उनका बैकग्राउंड में. हमेशा माइकल, जिस जानवर को शिकार करना नहीं होता बन जाता है. मुझे से तो बती एक भूखे जानवर को शिकार जानने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर. ये भी हिट होगा ये बैकग्राउंड म्यूजिक. गौतम मेनन मक्कल सेल्वन. माय गॉड, काफी अच्छा लग रहा है. जो टोन है मूवी का काफी अच्छा लग रहा है मुझे. ये फाड़ जाएगा, ये मूवी फाड़ देगा. ओह ओह गॉड यस, अरे बाप रे क्या एक्शन है इसमें. संदीप कृष्णस माइकल. माइकल माफ करने से हम भगवान बनते हैं माइकल. वो माफ नहीं करता शायद. मैं इंसानी रहना चाहता हूँ मास्टर, अपन को भगवान नहीं बनने का. गाइस ये तो मतलब क्या बोलूं कि ये तो एक्साइटिंग रायट हो गया यार, मतलब लफड़ा हो गया. इतना भयंकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसका जो एक्शन सीक्वेंस है विजय सेतुपति से शुरू करके द पर्सन वी हैव इन लीड इन संदीप किशन, और जितने सारे लोग हैं यार. गौतम मेनन के बारे में बात करें, उनको मैंने शायद मैं पहली बार एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि लेकिन वो तमिल इंडस्ट्री में बहुत सारे मूवीज में एक्टिंग कर चुके हैं. गौतम मेनन गाइस हम एक ही चीज से हम उन्हें पहचानते हैं, वो है रहना है तेरे दिल में. माय गॉड. और मैंने जब कास्ट के गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा था उनका नाम है, तो मैं रिदान से पूछ रहा था कि वो गौतम मेनन तो नहीं है, तो उसने कहा कि वही है. सो मुझे नहीं पता था, मैं भी सरप्राइज हो गया कि वो एक्टिंग भी करते हैं. ये मेरे करते हैं, वो पहली बार मैंने देखा इस ट्रेलर. बहुत बढ़िया एक्टर है मैंने सुना है, लेकिन मुझे पहली बार मौका मिला उनका ये मूवी देखने का, क्योंकि दूसरे मूवीज तमिल मूवीज में मैंने सुना है कि वो एक्टिंग कर चुके हैं. एंड वो बहुत चुन चुन के वो मूवी करते हैं, अच्छा कोई स्क्रिप्ट हुआ तब जाके करते हैं. ऑब्वियसली अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन क्या देखा मैंने यार कि यार साउथ का ना खा जाएंगे ये लोग पूरे बॉलीवुड को. जो मतलब भी जितनी क्या कर रहे हैं, मतलब हर एक पे एक दमदार मास्टरपीस निकालते जा रहे हैं. मतलब विक्रम हो गया, पुष्पा हो गया, KGF, अफजा हो गया, कंतारा हो गया, मतलब कितने सारे कंटेंट आ रहे हैं गाइस, और भी आने बाकी हैं. और मुझे मुझे ये भी पता चला है कि ये माइकल का जो टीजर है, ये मूवी विक्रम के साथ थोड़े बहुत हिडन डिटेल्स है, मतलब उसके भी थोड़ा उससे साथ कनेक्टेड है कह रहे हैं कि. पता नहीं ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हाउस ही बिल्कुल अलग है. अब आई डोंट सी एनी कोलैबोरेशन विद विक्रम. नहीं, वो जो उनके लोकेश कनगराज, लोकेश कनगराज का यहाँ का कोई मेंशन नहीं है, या फिर उसके असिस्टेंट डायरेक्टर, पता नहीं, ये रूमर भी हो सकता है. बट ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा सुना है गाइस. आप हमें बताइए कि कैसा क्या है. लेकिन इसके जैसे इसका सिनेमाटोग्राफी है, आई टोटली लव्ड
दी सिनेमाटोग्राफी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौन है। वी हैव किरण कौशिक, वंडरफुल जॉब आउट देयर, वंडरफुल। मैंने टीजर रिएक्शन के दौरान मैंने कहा था कि इसके टीजर का जो टोन है, कलर टोन है, मुझे काफी पसंद आया। हाँ, और एक क्या क्या कहते हैं, एक मैक्सिकन गैंगस्टर मूवी का एक फील आता है, मुझे वैसा लगा वहां पे, और काफी अच्छा था। और जो मैं ये भी रेकमेंड करना चाहूंगा बॉलीवुड को, अगर आप कोई एक्शन मूवी का जो अगर टीजर आप बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो ऐसे करनी चाहिए, पहले से ही इतना एक्शन मत दिखाओ। अगर आप इस बिल्डअप होना चाहिए ना, बिल्डअप होना चाहिए। आपने देखा कि एक्शन सीन्स कहां से शुरू हुए, एंड से, मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ इस ट्रेलर को वो छोड़ दिया ऑडियंस के साथ। Absolutely. तो ये काफी मुझे काफी कमाल का लगा। एंड विजय सेतुपति मतलब छा गए हैं, मतलब वो बहुत बॉस, उनकी एक्टिंग में मैंने पहले उनको नोटिस किया था, एक साउथ इंडियन मूवी है जो पता नहीं कमर्शियल मूवी का, हाँ वो मूवी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में उस मूवी का नाम रखा गया था रेक्का, दैट इज REKKA। मैंने पहली बार उनको देखा था, बहुत कॉमन कमर्शियल मूवी थी, लेकिन उनका जो चेहरा है ना, उनका चेहरा किसी भी हीरो से, मतलब किसी भी जनरल कोई भी स्टार जो बनते हैं आजकल या फिर कमर्शियल हीरो, उनसे बिल्कुल मैच नहीं करता। मतलब उनका फेस ऐसा है कि आप उनको किसी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी जो भी होती है, आर्ट फिल्म टाइप की मूवी में भी उनको डाल सकते हो, कमर्शियल मूवी में भी उनको डाल सकते हो, उनको हीरो भी बना सकते हो, विलन भी बना सकते हो, एंड ही विल किल एवरी सेक्टर। और यही है वो इंसान, अब वो फैल गए हैं, मुझे भी छा गए हैं पूरा। मुझे भी विजय सेतुपति का जो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब उनका फेस देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बहुत कुछ है, कंट्रोल है उनमें, जो कंट्रोल है ना, पेशेंस है, वो बहुत बहुत यूनिक है। और ये मैं सच में कहना चाहता हूँ कि तमिल इंडस्ट्री उनको यूटिलाइज अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बॉलीवुड के बारे में कहूँ कि पंकज त्रिपाठी जी को इतनी बुरी तरीके से उनको यूटिलाइज किया गया है, टाइप का वो, मतलब वो कॉमन वो विलेजर ऐसा कोई टाइप का, मैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे रेक्टिफाई कीजिए, लेकिन मुझे हर मूवी में ऐसा लगा है, अपार्ट फ्रॉम गुंजन सक्सेना मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो किसी मिडिल क्लास या फिर बहुत कम जाने हुए छोटे मोटे शहर से आए हुए किसी वकील का, किसी और कैरेक्टर का रोल करे, लेकिन उनका बैकड्रॉप जो है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनको सीन दिखाया गया है। I really don't like that. उनको सबसे खतरनाक इतनी बुरी तरीके से यूटिलाइज किया था बच्चन पांडे मूवी में, जहां उनके एक्शन को बर्बाद करके उनको एक गुजराती टीचर और एक्टर, गुजराती थिएटर टीचर और समथिंग ऐसा कुछ थे, मुझे बहुत बुरा लगा। सो बॉलीवुड बर्बाद करने में तुली है, लेकिन लुक एट दिस, अगर हम जस्ट लुक एट दिस मूवी, अगर हम माइकल के बारे में बात करें, सो ये मूवी बेसिकली 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, दैट इज इन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी। सो ये फिर से जाके पैन इंडिया मूवी का जो भी ये जोन है, ये पूरा बॉलीवुड को खा जाएगी। या मतलब गाइस, सच में बता दूं कि हम दोनों संदीप किशन के कोई भी कंटेंट के ऊपर पहली बार रिएक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कम जानते हैं, वेरी सॉरी, क्योंकि उनके कंटेंट के बारे में और भी एक्सप्लोर करना बाकी है, हमें करना है। जब तक आप हमें सजेशन नहीं देंगे, हमें कैसे पता चलेगा या कौन क्या है, क्योंकि गाइस इसका भी ट्रेलर कल निकल गया था, आप लोगों ने कमेंट में आके कुछ भी नहीं बताया, फिर भी कोई बात नहीं, आप रेगुलरली हमें अपडेट करते रहिए कमेंट सेक्शन में, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जहां तक मैं संदीप किशन के बारे में गाइस मैं बात करूं, तो मुझे काफी अच्छे लगे वो, और उनका जो इंटेंसिटी है, उनका जो कैरेक्टर जो माइकल है, बिल्डअप है, वो काफी अच्छा था, और एक्शन सीक्वेंस काफी कमाल के थे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा दिखाया गया है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक्शन किसने करवाया, आई रियली डोंट नो कि एक्शन डायरेक्टर इसमें कौन है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, बट वी विल श्योरली गेट टू नो अबाउट द सेम इन ट्रेलर, ट्रेलर में गाइस हमें पता चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, म्यूजिक, म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक दुनिया को पता है कि तमिल इंडस्ट्री बैकग्राउंड म्यूजिक के सेक्टर में वो बाप है सबके। टीजर के बिगिनिंग में गाइस जो म्यूजिक वो बज रहा था, तभी मैंने रिदान को बताया कि म्यूजिक काफी कमाल का लग रहा है, वो मूवी एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है। और I really want to appreciate Sam CS, he's basically the music composer for this movie, और उन्होंने मतलब तूफान काम किया है, मतलब एक नंबर काम किया है, और अब जो तमिल इंडस्ट्री का जो एक लेवल होता है, जो मर्यादा होती है, जो फिर जो रेस्पेक्ट होता है बैकग्राउंड म्यूजिक को बरकरार रखना, उन्होंने वो लेवल मेंटेन किया है। Yeah. And we congratulate him for this. Yeah. और ये मूवी रिलीज होने वाली है 9th of December, और obviously as it is going to release in Hindi as well, so कोलकाता में भी रिलीज होने वाली है, वेस्ट बंगाल में ये मूवी आएगी, so without हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, क्योंकि इसका एक यूनिवर्स
बनता दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, तो मैं तो इसे बिल्कुल नहीं मिस करने वाला हूँ। आप भी कैलेंडर को मार्क कर लीजिए, 9 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर भी आएगा, उसके ऊपर भी गाइस हम रिएक्ट करेंगे। और आप जाके मार्क कीजिए, अभी जाके आप सब्सक्राइब बटन को जाके प्रेस कीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप आइए हमारे चैनल पे, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सुपर थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, आके कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी, आप लोगों ने बहुत बार हमें मैसेज भी किया है ट्विटर में, एंड वी अप्रिशिएट दैट, वी थैंक यू फॉर दैट। Or please don't forget to like and subscribe us. Yes, I repeat that once again. And by saying this, the reaction is says, Jai Hind.